इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें आपको मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। मैंने कहा मोलर, ठीक है, चालकता को प्रभावित करने वाले नियम, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्या बताना चाह रहा हूं बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, ऑफ मोलर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, सबसे पहला मैंने लिखा यहां पर विद्युत अपघटी की प्रकृति, विद्युत अपघटीय की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो मैंने आपको कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस या एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है, बोलो, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयंस। क्लियर, जितने ज्यादा आयन उतनी ही मोलर चाल आपकी, तो बोलो, विद्युत अपघटी चालकता ज्यादा होती है। क्लियर, क्या बताया मैंने, बोलो, विद्युत अपघटीय चालकता किसके समानुपाती होती, बोलो, आयनों की संख्या के। क्लियर, अब मैंने कहा पहला फैक्टर है अपना, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, तो मैंने कहा इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोलो, मैंने कहा इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य हो, क्या हो बोलो, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, तो नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे क्योंकि वो 100% टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, नंबर ऑफ आइंस क्या होंगे बोलो, ज्यादा, तो बोलो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर, बोलो, मैंने कहा इफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नेचर से तो यही मतलब होता है, क्लियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो नंबर ऑफ आयंस एज कंपेयर क्या होंगे बोलो, कम होंगे, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। पहला फैक्टर समझ में आया बोलो। अच्छा दूसरा मैंने कहा बोलो ताप का प्रभाव। क्लियर, क्या लिखूं मैं बोलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या लिखा बोलो, ताप का प्रभाव। ओके, अगर मैं टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करूं तो मैंने कहा जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा, पहले से ही पिक्चर क्लियर की है मैंने आपको, और ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बोलो, पहले बताओ ऐसा लिखा समझ गए बोलो, ताप बढ़ाऊंगा विद्युत अपघटन ज्यादा टूटेगा, आयनों की संख्या ज्यादा होगी, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर, यहीं पे नोट करके क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ओके, तो यहां पर मैंने कहा नंबर वन सी इंक्रीज होती है, नंबर टू मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आए, अब तो इन चारों को इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, तो कहीं भी होगा तो इसे मोल ही लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, नॉर्मल कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चारों को पहले इंट्रोड्यूस क्यों कराया, समझ में आया बोलो। ओके, अब मैंने कहा यहां पर मुझे कारण देना होगा, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बोलो क्या होगी, इंक्रीज बोलो, इसलिए मैंने आपसे कहा सो, इसलिए मैंने कहा बोलो यहां पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, बोलो क्या होंगे, डिक्रीज। क्लियर, इसलिए क्या होगा बोलो, आपका आपका बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। क्लियर, तो इसका मतलब तो लॉजिक सही हो रहा ही है, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं यहां पर भी वही बात कर रहा हूं कि एनी टाइप ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, यहां पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम हुए इसलिए मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं,
पहले बताओ मेरी बात समझ में आए, बोलो ये क्या लिखा मैंने? बोलो ताप बढ़ाता हूं तो आयनों की गतिज ऊर्जा, क्लियर? बोलो क्या होती है? बढ़ती है, क्लियर? आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयनों की गतिज ऊर्जा इंक्रीज होने से क्या होगा बोलो? एकांक आयतन में बोलो आयनों की संख्या क्या हो जाती है? कम। इसलिए आपका जो विशेष बोलो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। बोलो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? हम कोई यहाँ पर अपवाद अपवाद नहीं लिख रहे हैं। एक्सेप्शन जब लिख देते हैं तो बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं चाहिए, और एक्सेप्शन नहीं लिखा है इसका मतलब साइंटिफिक तरीके से जो इनका कारण है वो भी इनका कारण है। ये क्यों बढ़े थे? क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़े। ये क्यों घटी? क्योंकि नंबर ऑफ आयन घटा। बस इसको डिफाइन पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में किया जाता है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में आयन डिक्रीज हुए, और इनको पूरे में बताया जाता है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आई? एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, तो कौन सी डिक्रीज होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अपने को रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर? इसलिए मैंने कल आपका थोड़ा बेस बनाया, सेकंड डेफिनेशन आपको मैंने बताई, क्लियर? और थर्ड क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा तनुता 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 का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डायलिटेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो? इफेक्ट ऑफ डायलिटेशन, क्लियर? ओके, तो आपको मैं कहूं कि तनुता का मतलब समझते हो? थोड़ा पानी मिलाना, क्लियर? डायलिटेशन का मतलब यही होता है। अरे तनु किया मतलब समझते नहीं समझते बोलो, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे, तो मैंने कहा पहले याद करना पड़ेगा ओस्टवाल को, क्लियर? तो यहाँ पर अल्फा मतलब टूटना जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी होता है। ये किसके अनुसार बोलो? ओस्टवाल्ड के तनुता तनुता के नियम से, क्लियर? बोलो क्या लिख रहा हूं बोलो? ओस्ट मैंने कहा वाल्ड डायलिटेशन लॉ, ठीक है? बात समझ में? ओस्टवाल्ड डायलिटेशन लॉ, तो इसका मतलब ही हुआ यहां से, और ये अल्फा क्या है बोलो? अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ बोलो डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन, क्लियर? डिसोसिएशन मैंने कहा ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के बोलो वियोजन वियोजन की बोलो मैंने कहा मात्रा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहां से मुझे पता चला अगर मैं तनुता बढ़ाऊंगा, क्लियर? तनुता बढ़ाऊंगा मतलब मनी मन में किसको बढ़ा रहा हूं? वी को, क्लियर? तो मुझे पता चला एल्फा क्या होगा? इंक्रीज। और एल्फा इंक्रीज होने का मतलब क्या है बोलो? नंबर ऑफ आयंस का क्या होना बोलो? इंक्रीज। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज तो मैं क्या कहूंगा? मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं आई बोलो, क्लियर? बात समझ में आई बोलो? ओके। और अगर मैं डायलिटेशन बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, और मैं बोलूं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने इनफिनाइट डायलेशन कर दिया। और समझे समझे बोलो, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है बोलो, मैंने कहा एट इनफिनाइट डायलेशन, अनंत 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 तनुता पर, क्लियर? जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, और मैंने कहा बोलो ये क्या होगी बोलो? मैक्सिमम। और फिर उसको क्या कहा जाएगा बोलो? ऐसे कहा जाएगा, क्लियर? इसका ऐसे लिखा जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्लियर? क्या कहा जाएगा बोलो? मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायलेशन, क्या कहा जाएगा बोलो? मोलर कंडक्टेंस बोलो मैंने कहा एट इनफिनाइट डायलिटेशन। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? जब हम तनु करेंगे तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। अगर मैं बहुत ज्यादा तनु कर दूंगा तो उसको इनफिनाइट डायलेशन बोला जाएगा, तो उस समय जो बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टेंस होगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायलेशन। यहां तक पिक्चर समझ में आए बोलो? यहां भी नोट करके बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं इधर देखो, मैंने कहा अगर मैं तनुता इंक्रीज करता हूं, क्लियर? ओके, मैं तनुता इंक्रीज करता हूं तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि बोलो यहां पर क्लियर बोलो सी भी इंक्रीज होगी, बोलो मोलर कंडक्टेंस भी बोलो क्या होगी? इंक्रीज होगी। बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी,
बड़कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। यहां भी कारण वही होगा कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नंबर ऑफ आइंस, बोलो डिक्रीज, बोलो मैंने कहा डिक्रीज, बोलो इन आपसे मैं करूं पर यूनिट, बोलो पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। बोलो एकांक आयतन, आयतन में बोलो क्या हो जाती, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या बोलो क्या हो जाती, कम। क्लियर। इसलिए इस केस में भी बोलो चाहे तनुता का केस हो चाहे टेम्परेचर का केस हो, दोनों में क्या होगा, बोलो एक डिक्रीज होगी, वो कौन होगी, ये। अगर मुझे कुछ नहीं बोले तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज, बोलो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, बोलो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज इफ डायलेटेशन इज इंक्रीज। क्लियर। लेकिन मुझे नाम बोल दे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तब मैं क्या बोलूंगा, डिक्रीज होगी। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अब ये मैंने आपको तीनों फैक्टर बताया, क्लियर। तो इस फैक्टर में मैं एक्चुअली क्या नाम लेके आया, बोलो ये, क्योंकि मुझे पढ़ाना है कोलरॉस का लॉ। क्या पढ़ाना है, कोलरॉस का लॉ। क्लियर। तो कोलरॉस इसी की भाषा बोलेगा, इसी कहानी को आगे बढ़ाएगा, कौन, बोलो कोलरॉस। तो मैं डायरेक्ट कोलरॉस को पढ़ाता और मैं बोलता अनंत अनुता में मोल चालक था, बोलो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की उसके आयनों की अनंत अनुता में मोल चालक था कि ओके बराबर होती। तो पहले आपको अनंत अनुता में मोल चालक था वर्ड ही नहीं पता है तो कोलरॉस का लॉ कहां से समझ आएगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, तीन फैक्टर भी बता दिए और ये वर्ड भी ले आया, और इसी कहानी को आगे पढ़ाएंगे अपन, किसमें, बोलो कोलरॉस के नियम में। बात समझ में आए। मैंने आपको पहले ही कहा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, डिपेंड करता है कि आप कनेक्शन कैसे करते हो, मतलब आप पहले क्या चीज स्टडी करते हो फिर क्या करते हो। पहले मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, चार बोलो टाइप ऑफ मोलर कंडक्टेंस बनाई, तो अब मैं आपको जो चीज समझाऊंगा वो सब समझ में आएगा। क्लियर। ओके। तो आई थिंक आपको ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, बट आप इसका भी आंसर दे सकते हो। क्लियर। आए समझ, बोलो। ओके। बैक करूं।
हो गया नोट बोलो। किया ये नोट बोलो। हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो क्या हुआ? मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। आप समझे नहीं, मेरी बात को समझना। ये है, ठीक है, ओके। ये तो पूरा वॉल्यूम हुआ। अब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे। टोटल आयंस तो बढ़ेंगे, बट इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? पर यूनिट वॉल्यूम से। कैसे? पास वाले में कैसे चले जाएंगे? आप समझे नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ये एल है और ये ए है। मैं तो पर यूनिट वॉल्यूम किसकी बात कर रहा हूं? बोलो बोलो, इलेक्ट्रोड की बीच की बात कर रहा हूं। इधर वाले में जाएंगे वो थोड़ी काउंट होंगे। बोलो, मैं ये अपन ने ये कैसे लाए थे? ए इंटू एल लाए थे। और बोलो, इलेक्ट्रोड का यूनिट एरिया और इलेक्ट्रोड की बीच की यूनिट लेंथ, उसका जो वॉल्यूम है उसको मैं पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूं। नहीं समझे? बोलो नहीं कि बोलो, यहां पर मैं कोई पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूं। अरे समझे ही समझे, बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, एक सिंपल सी चीज है कि बोलो, यू नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम आयन क्या होंगे? घटेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चीज है जिसको मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूं। बोलो, बात समझ में आए? क्लियर? तो आपका ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? ओके।
ठीक है। हो गया। इसको अपन दो तरीके से समझ सकते थे। एक तो ये समझ में आया बोलो, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी बता सकता था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, इधर ध्यान दो। मैंने कहा मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा थाउजेंड अपॉन एम। अगर मैं बोलो डायलेटेशन करूंगा तो बताओ कंडक्टेंस तो डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा बोलो, इंक्रीज होगी। ऐसे भी समझ सकते थे। मेरी बात समझ में आए बोलो। रियलिटी तो ये मैंने बताया ही आपको ओस्टवाल के तनुता के नियम से, बाकी ऐसे भी समझ सकते थे। क्लियर, समझ में आई मेरी बात? ओके। बात समझ में आए बोलो। यहाँ भी वही है, डायलिटेशन करने से आयन दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, ये वाला भी आपने नोट कर लिया था बोलो। ये किया बोलो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको थ्योरेटिकली मिल गए जो एग्जाम में आते हैं, और अल्टीमेटली मुझे आपको क्या पढ़ाना है, कोल रॉस का लॉ पढ़ाना है। और कोल रॉस के अंदर मैं भाषा क्या बोलूंगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसलिए वो क्या होता मैंने आपको यहां पर बताया। इतना हो गया नोट बोलो आपको, क्लियर, हटा दो ये। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर बोलो, कोल रॉस ठीक है बोलो का नियम, ठीक है, कोल रॉस लॉ। ओके, कोल रॉस का नियम क्या कहता है, कोल रॉस का नियम 10 मिनट इधर ध्यान देना। कोलरोस कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी बोलो इनफाइनाइट बोलो डायलेटेशन पर मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके आयनों की, आयन दो ही होते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनकी इनफाइनाइट डायलेशन पर मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो हम उसकी भाषा को बाद में लिखेंगे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज दैट ये है बोलो आपका NaCl है, क्लियर, किसमें ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस में। अगर मुझे NaCl की बोलो ये निकालनी है, पहले बताओ इसको पढ़ो क्या बोलूंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ आपसे मैं करूं NaCl एट इनफाइनाइट डायलेशन, या मैं बोलूं अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता, क्लियर, तो वो क्या होती है बोलो, इसके आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, क्लियर। अगर आपको इन दोनों की ये दे दी जाए तो ये निकाल सकते हो बोलो। ओके, फॉर्मूला बनाना सीखो। सपोज दैट ये है K2SO4, कौन है बोलो K2SO4, और मुझे K प्लस और SO4 की अनंत तनुता पे मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलेशन गिवन बोलो दे दी जाए और K2SO4 की बनाए पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा, 2K प्लस और SO4 माइनस 2। तो यहाँ पर K2SO4 की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2K प्लस और आपका SO4 -2, क्लियर। पहले बताओ ऐसा करना पड़ेगा, K प्लस आयन कितने हैं, दो, तो दो आएगा आएगा बोलो यहाँ पर, क्लियर। अच्छा, सपोज दैट मुझे मैंने करना है Al2SO4 होल क्वाइज 3, ठीक है, क्या लिखा बोलो, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलो, इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायलेशन बोलो फाइंड आउट करनी है, और मुझे एग्जामिनर ने एल्यूमिनियम और SO4 एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन की दे दी है
तो बताओ मैं कर सकता हूँ, बोलो क्या करूंगा, बोलो। सबसे पहले इसको तोड़ूंगा, 2L प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2, क्लियर। और यहां पर क्या करूंगा बोलो, ये मोलर कंटेंट एट इनफिनाइट डाइलेशन Al2SO4 होल क्वाइज 3, तो क्या करूंगा बोलो, यहां पर 2Al, क्लियर। ओके ओके ओके, यहां पर यहां पर यहां पर बोलो ये Al प्लस 3, ओके, और ये 3SO4 माइनस 2। पहले बताओ समझे नहीं समझे, इनकी वैल्यू दे दी जाए तो करना क्या है बोलो, रख करके कैलकुलेट ही तो करना होगा। तो कोलरोस ने क्या कहा समझ में आया बोलो, कोलरोस कहता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता उसके आयनों की अनंत अणुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू कोलरोस बोलो, आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइलेशन इज इक्वल टू सम ऑफ बोलो आपसे आपका पॉजिटिव या नेगेटिव की क्या बोलो, आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइलेशन। बात समझ में आए बोलो, पहले बताओ ये मैंने बताया समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा कि किसी बोलो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की बोलो कि ऐसा लिखो समझ आओगे बोलो, अनंत अणुता, ठीक है बोलो, मैंने कहा बोलो ऐसा ही लिख दूं डायरेक्ट, पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। किसी इलेक्ट्रोलाइट की बोलो उसके आयनों, ठीक है, आयनों की ओके के योग के बराबर बोलो बराबर होती है। पहले बताओ इसको पढ़ना जरा, क्या लिखा मैंने बोलो, मैंने कहा किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफिनिट डाइलेशन पर मोलर कंडक्टेंस उसके आयनों की इनफिनिट डाइलेशन पर मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है। यही तो चार काम मैंने यहाँ पर किया है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज दैट आपको पूछा गया, मैंने कहा यदि यहाँ पर मैंने दिया के प्लस और सी एल की बोलो अनंत अणुता पर मोलर चालकता है क्रमशः 20 एंड 10 मोल, बोलो मैंने कहा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे 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 क्या बोलूंगा बोलो, मोल, ठीक है बोलो, क्या यूनिट बताई थी मैंने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद है बोलो, अरे बोलो बताया नहीं बताया, क्लियर बोलो, है तो बोलो KCL, ठीक है, KCL की अनंत अणुता पर मोलर चालकता बोलो क्या होगी, क्लियर। तो बताओ किसको याद करोगे, कोलरोस को, किसको याद करोगे, कोलरोस को, और तुरंत आपको पता चल गया KCl इज इक्वल टू बोलो K प्लस और Cl माइनस, फॉर्मूला बनाना आ गया, काम आपका आसान हो जाएगा, क्लियर। ओके 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 ओके, यहाँ पर कितनी 20 और 10 कितना होगा 30 बोलो ओम, बोलो मैंने कहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर बोलो, क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आई मेरी बात। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर इसमें ये दे दू ये दे दू ये पूछता तो भी करना आना चाहिए, अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा नोट कर लिया जाए, ठीक है,
क्या बोलो? बहुत सी बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। चार ऑप्शन आपको दे दिया, Al2SO4 होल कोलाइड 3 का अनंत अनुता में मोलर चालकता का सूत्र कोलरोस के लॉ से क्या सही होगा? एक दे दिया ये, एक में तीन इधर, दो इधर, एक में दो इधर, और समझे समझे बोलो, ऐसा भी एग्जामों में पूछा गया है। फॉर्मूला बनाना आ गया, न्यूमेरिकल तो बहुत इजी होगा, क्लियर? इससे पहले मैंने किस पे फोकस किया बोलो? फॉर्मूला बनाने सिखाने पे, क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएगा, क्लियर? ओके, पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो, कोलरोस को बुलाकर कुछ अच्छे केमिस्ट्री के जानने वाले साइंटिस्टों ने एक क्वेश्चन पूछा कि कोलरोस जी, आप जो बात कह रहे हो वो बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि जो आप ये कर रहे हो वो तो तभी कर सकते हो जब आयन में 100% टूटे। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वो तो पूरा टूटेगा ही नहीं, तो फिर उनमें कैसे करोगे आप? तो कोलरोस ने कहा, रुको मैं अब एप्लीकेशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बोलो? एप्लीकेशन। कोलरो ने पांच एप्लीकेशन बताए। क्या बताए? पांच एप्लीकेशन, और उसमें सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है जो अक्सर एग्जाम में आता है वो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिटरमिनेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आए बोलो? ये जो भी आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल लिया तो किस बात का ध्यान रखा कि मैंने सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, सारे सोल्ट लिए ना? मेरी बात समझ में आए बोलो? आपने ध्यान नहीं दिया होगा मैं क्या लिख रहा हूं बोलो, एक एक चीज का ध्यान दो। मैंने जो भी एग्जाम्पल लिए वो सोल्ट के लिए, और सोल्ट 100% टूटते हैं, क्लियर? तो इससे बोला कि जब एसिटिक एसिड का निकालना होगा तो एसिटेट आयन और एच प्लस तो 100% टूटता ही नहीं है बोलो, तो फिर उनमें कैसे निकालेंगे? तो उन सब के लिए इसने क्या बताया? एप्लीकेशन, क्लियर? ये तो समझ में आया बोलो आपको? ओके, तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने कहा कोलरोस, ठीक है, कोलरोस के नियम नियम के अनुप्रयोग, ठीक है? बोलो अनुप्रयोग मतलब क्या बता रहा हूं? एप्लीकेशन, क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ, ठीक है? एप्लीकेशंस, ओके। और कोलरोस ने कितने एप्लीकेशन दिए? पांच एप्लीकेशन दिए। लोगों ने एक पूछा, उसने कितने दिए? पांच। की चार गिफ्ट में दे रहा हूं, और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? अच्छा, वो पांच के नाम ध्यान रखो। इधर देखो, पहला एप्लीकेशन इसने बताया बोलो, दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य की, बोलो की, अगर मैं ऐसा लिखूं, पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है बोलो, पहले पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायलेशन, ठीक है? बोलो ज्ञात करना। पहला एप्लीकेशन क्या है बोलो? यहाँ पर डिटरमिनेशन, क्लियर, ऑफ, मैंने कहा मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक, बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर? बोलो बताओ, पहला एप्लीकेशन समझ में आया? और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको कल हवा हवा में करना सिखाऊंगा, क्लियर? फिर दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, कि वियोजन वियोजन की मात्रा बोलो ज्ञात करना, क्लियर? ज्ञात करना मतलब क्या बता रहा हूं यहाँ पर? डिटरमिनेशन क्या सीखेंगे बोलो?
डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन फॉर बोलो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके फिर तीसरा क्या इसने एप्लीकेशन दिया दुर्बल दुर्बल विद्युत अवघटीय की वियोजन का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना ओके बोलो ये इसका तीसरा एप्लीकेशन है क्या है बोलो यहाँ पर डिटरमिनेशन क्लियर ऑफ मैंने कहा बोलो डिसोसिएशन लिख दो ऐसे समझ जाओगे कांस्टेंट कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर ओके फिर साइंटिस्टों ने कहा आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताते जाओगे किसी और के बारे में भी कुछ बताओगे और समझे समझे बोलो क्लियर तो इसने कहा चलो ठीक है आपका मन भर गया अब मैं दो दूसरे बता रहा हूँ पहले तीन एप्लीकेशन किसके लिए बताए वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा किसका बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट का बोलो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट का और पहली चीज जो उससे पूछी गई थी जिसका जवाब क्लियर और फिर क्या बताया इसने यहाँ पर बोलो जल का आयनिक गुणनफल ठीक है आयनिक गुणनफल जिसको हम KW कहते हैं बोलो ज्ञात करना ठीक है बोलो ज्ञात करना मतलब क्या बोलूंगा बोलो यहाँ पर मैंने कहा डिटरमिनेशन क्लियर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ मैंने कहा वाटर क्लियर क्या लिखा मैंने बोलो समझ गए बोलो और एक एप्लीकेशन और टोटल पांच एप्लीकेशन है एग्जाम में तो पांचों पढ़ाऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन पहले वाले से आता है बात समझ में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर इसने कहा अल्प 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 घुलनशील अल्प घुलन घुलनशील ठीक है विले 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 की विले की विलेता विलेता ज्ञात बोलो करना ठीक है ये पांचवा एप्लीकेशन है बोलो डिटरमिनेशन क्लियर ऑफ आपसे मैं कह रहा हूँ सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बोलो फॉर लेस सॉल्युबल सॉल्यूट क्लियर ये पांच एप्लीकेशन किसके बोलो कॉलरॉस के हैं क्लियर पढ़ेंगे पांचों लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किससे आता है पहले वाले से जो कि वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है क्लियर नोट कर लोगे कागे सागे कहानी कैसे चल रही समझ में आ रहा बोलो आपको ठीक है किसी की एंट्री हम कब लाएंगे चैप्टर में जब उसकी जरूरत होगी फेराडे की अभी जरूरत नहीं पड़ी तो फेराडे की एंट्री नहीं हुई नर्स की अभी जरूरत नहीं पड़ी तो नर्स की एंट्री अभी नहीं हुई ये सब साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें काम किया है बोलो बात समझ में आए ओके तो ये पांचों एप्लीकेशन कल अपन स्टडी करेंगे क्लियर बहुत इजी है बस हमें पहला जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर जिसको बिना पेन चलाए हवा हवा में करना सीखेंगे ठीक है पहले तो पूरा तरीका बताऊंगा फिर बताऊंगा कि हवा हवा में कैसे कर सकते हैं ठीक है तो कल क्या सीखेंगे समझ में आया बोलो ये पांचों एप्लीकेशन ठीक है और ये पांचों एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तब तो मेन चैप्टर चालू होगा अभी तो बेसिक चल रहा है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका मतलब हुआ पहला कन्वर्जन का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी और दूसरा कन्वर्जन का मतलब है गैल्वेनिक सेल की स्टडी ओके okay.